नमस्कार, मैं हूँ वसुधा तिवारी। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी अपनी चुनावी रैलियों में लगातार ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दीदी कहकर संबोधित कर रहे हैं, जिसके बाद अब ये मुद्दा पश्चिम बंगाल में गर्मा गया है। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजा ने टीएमसी के और तीन महिला नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस लहजे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दीदी कह रहे हैं, वो उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। टीएमसी की महिला नेताओं ने आरोप लगाया है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दीदी कहते हैं, ये उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको मजाकिया तरीके से दीदी कहते हैं। और ये महिलाओं का और पूरे देश की महिलाओं का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अपमान है। टीएमसी की महिला कार्यकर्ताओं ने यहाँ तक कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दीदी कहते हैं, ये एक तरीके से उनको उनके लिए प्रताड़ना है, वो उन्हें प्रताड़ित करते हैं। इसी के साथ टीएमसी की महिला सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि मोदी जिस तरीके से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दीदी बुलाते हैं, एक सड़क छाप भाषा का प्रयोग करते हैं। वहीं टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने यह भी कहा है कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री मोदी का दीदी बुलाना मुख्यमंत्री का अपमान है और बाकी सभी महिलाओं का भी अपमान है। इसी के साथ बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि टीएमसी अपना आपा खो चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पीएम मोदी अपनी बहन को दीदी कहकर संबोधित करते हैं, इसमें कोई अपमान नहीं है, टीएमसी अपना आपा खो चुकी है। बता दें कि टीएमसी बीजेपी पे कई तरीके के आरोप लगा चुकी है। पिछली वोटिंग जो 1 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग थी, उसमें भी काफ़ी हिंसक घटनाएं हुई थी। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने यूपी और बिहार से लोगों को बुलाकर पश्चिम बंगाल में दंगे करवाए हैं, नारे लगवाए हैं और बूथ कैप्चरिंग करवाई है। पश्चिम बंगाल में सत्ता की लड़ाई भी तेज हो गई है, तो अब देखना होगा कि 2 मई में किसकी सरकार बनेगी और कौन पश्चिम बंगाल की सत्ता पर राज करेगा। वहीं ये भी बता दें कि किसी को दीदी कहना कैसे अपमान हो सकता है, ये तो टीएमसी की नेताओं ने क्लियर नहीं किया है, लेकिन अब किसी को दीदी कहना इतना अपमानजनक हो गया है, क्या किसी को दीदी भी नहीं कह पाएगा कोई। नमस्कार।